मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम सतराटी में सेंचुरी मिल के 874 मजदूरों के द्वारा पिछले 1603 दिन का संघर्ष आज भी जारी है और जारी रहेगा। यह अभूत और जीवंत संघर्ष नर्मदा घाटी का ही हिस्सा है जो कि जीने तथा आजीविका रोजगार के लिए जारी है। 874 मजदूर एवं कर्मचारी ने आज VRS को अस्वीकार कर रोजगार की मांग रखी है। सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन के मजदूरों का उच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। आगामी 28 अप्रैल को सुनवाई होगी जो कि इस विषय में आंदोलन की आज वार्षिक सभा का मंगलवार को श्रमिक जनता संघ यूनियन द्वारा वार्षिक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण की गई। साथ ही मुंबई से आए अतिथियों का स्वागत किया गया जिसमें श्रमिक जनता संघ की अध्यक्षा मेधा पाटकर, उपाध्यक्ष संजय मंगला गोपाल, महासचिव जगदीश खेरालिया सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। मेधा पाटकर ने बताया कि श्रमिक जनता संघ जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत नोदिनीकृत यानी मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन है, उसकी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ग्राम सतराटी में संपन्न हुई। महाराष्ट्र के कल्याण ठाणे महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी, शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी, महिला, रेलवे में तथा जल सप्लाई कार्य करने वाले ठेका मजदूर आदि एवं मध्य प्रदेश की सेंचुरी और मराल टेक्सटाइल मिल्स के श्रमिक कर्मचारी मिलकर सैकड़ों श्रमिकों ने पंडाल भर दिया। इस वार्षिक सभा में विशेष अतिथि के नाते बड़वानी के श्री विजय कुमार जैन, अमन संस्था के कलाकार मंसूरी जी, मुंबई के सेंचुरी के संघर्ष में जीते श्रमिक नेता हेमंत गोसावी तथा मानव अधिकारवादी संघर्षशील कार्यकर्ता MD चौबे जी भी सम्मिलित हुए। आज की सभा में श्रमिक जनता संघ के एक साल की विशेष हासिली तथा वर्षों से विविध श्रमिक समुदाय को दिलाए विशेष लाभ पर हर इकाई के अहवाल को प्रस्तुत किया। सफाई कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन मंजूर करवाने से उनका वेतन 6,000 से 16,000 रुपए तक बढ़ाने से एक अनोखी राहत पाई। सेंचुरी जैसी कंपनी ने जो लॉकडाउन रहा तब करोड़ों का मुनाफा कमाती रही। उन्होंने करीब 1,000 श्रमिक और कर्मचारियों का रोजगार छीनने वाली गैरकानूनी फर्जी रजिस्ट्री के द्वारा 2 मिल्स 4 सालों तक बंद रखने के बाद बेच दी। इस सभा में सेंचुरी के मालिक कुमार मंगलम बिरला समूह से हुई धोखाधड़ी का धिक्कार किया गया। साथ ही प्रस्ताव पारित किया मराल टेक्सटाइल के प्रबंधक के भी अन्यायपूर्ण व्यवहार और श्रमिक जनता संघ जैसे संगठन से जुड़ने पर कई श्रमिकों को नौकरी से हटाने की गैरकानूनी कार्रवाई पर भी आपत्ति लेने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय न्यूज के लिए कसावत से विशाल भमोरिया की रिपोर्ट। ये श्रमिक जनता संघ का ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, और ये हर साल लेते हैं। और इस जनरल बॉडी में पूरे साल भर में जो क्या क्या काम किया उसका जायज़ा लिया जाता है, उस पर प्रस्ताव मंजूर होते हैं, लोगों की सहमति ली जाती है और आगे के भविष्य के लिए क्या क्या हमें करना है उसकी रणनीति भी तैयार की जाती है। तो उसके लिए आज का ये अधिवेशन या वार्षिक सर्वसाधारण सभा रखी है। और यहाँ पर जो पदाधिकारियों का चयन है वो श्रमिक खुद अपने मर्जी से करते हैं, तो वो सब आज किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ के मध्य प्रदेश के लोग हैं, सेंचुरी और मराल के श्रमिक साथी हैं, मुंबई से जो रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले कर्मचारी है वो यहाँ पर हमारे साथ सहभागी हैं, ड्रेनेज विभाग में जो सीवर लाइन में काम करने वाले ठाणा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी है वो हमारे साथ सहभागी है। मेरा नाम जगदीश खैरालिया, मैं महासचिव हूँ श्रमिक जनता संघ का। यहाँ आज ग्राम सतराटी में श्रमिक जनता संघ की वार्षिक सर्वसाधारण सभा 2021 का ऑडिट हिसाब किताब के साथ साथ उसमें हुआ कार्य और आगे की दिशा और कार्यक्रम के बारे में हुई है। उसमें हमारे बहुत सारे अतिथि पधारे हैं, एक तो महाराष्ट्र के सफाई कर्मचारियों से लेकर शिक्षा विभाग में काम करने वाली महिला कर्मचारियों तक, मछुआरों के प्रतिनिधियों से लेकर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स तक, जहाँ जहाँ हमारी यूनियन है वहाँ वहाँ हम लोगों को यहाँ प्रतिनिधियों के द्वारा अपने रिपोर्ट पेश करना पड़ा है और उस रिपोर्ट को सभी ने मंजूर करते हुए सेंचुरी और मराल के टेक्सटाइल मिल्स में आज मध्य प्रदेश में जो चल रहा है उसके बारे में भी पूरी सच्चाई सामने रखते हुए वहाँ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है उसकी पोल खोल की है। सेंचुरी ने पहले फर्जीवाड़ा किया, वो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हार गए और उनको मिल्स बंद होते हुए 4 साल वेतन देना पड़ा।
उन्होंने ठेका मजदूरों को कोई लाभ नहीं दिया, पर स्टाफ कर्मचारी और श्रमिकों को 1000 की तादाद में हर महीना 2 करोड़ रुपया दिया। अभी उन्होंने फिर से दूसरी बार जो फर्जी रजिस्ट्री की है उसको हमने चुनौती दी है। अगस्त से अभी तक एक भी जवाब सेंचुरी और मंजीत ने जिला रजिस्ट्रार को नहीं दिया है। जिला रजिस्ट्रार की नोट शीट से ये दिखता है कि प्रथम दर्शनी रजिस्ट्री में फर्जी बातें लिखी गई है। जो RCC की बिल्डिंग्स है वो RBC की बताई गई है। दोनों मिल्स की संपत्ति नेशनल हाईवे से शुरू होती है, लेकिन यहाँ मंजीत आने के बाद नया बोर्ड लगाया गया और एक मिल सत्राटी रोड पर बसी है ये कहकर उसकी कीमत कम आंकी गई। जो 426 करोड़ की प्रॉपर्टी रही है जिसके कागजात वेरिड ग्लोबल ने असेसमेंट के बनाए गए थे, उसके तहत पहले 2.5 करोड़ की फर्जी रजिस्ट्री थी, इस बार 62 करोड़ की फर्जी रजिस्ट्री है। और स्टैम्प ड्यूटी की चोरी ये कानूनन अपराध है, पर मिल्स चालू थी 4 साल, ये बताने वाले कौन सी सच्चाई बता रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि किस प्रकार से एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये खबर दी गई है शेयर होल्डर्स को कि यार्न और डेनिम की मध्य प्रदेश की मिल्स बंद पड़ी हुई है, यही उसमें लिखा गया है। तो ये जो हकीकत है ये एक एक कागजात के द्वारा हमने साबित की है। तो जिला रजिस्ट्रार, राज्य शासन और उच्च न्यायालय तीनों से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमको और कड़ा संघर्ष करने के सिवाय रास्ता नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि यहाँ के श्रमिकों में से 90% श्रमिकों ने VRS नकारा है और श्रमिक जनता संघ के जो सदस्य थे श्रमिकों में से उनमें से 96% श्रमिकों ने VRS नकारा है और अन्य यूनियंस जो थी उन्होंने बीच में कोई भी सदस्यता और कार्यवाही सत्याग्रह आंदोलन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने VRS की मांग करने से सेंचुरी ने हमको 1 रुपया में 2 मिल्स देने की बात को वापस लिया था। ये एक साजिश सी हो गई, लेकिन उन यूनियंस के भी कई कर्मचारी ऐसे हैं जो श्रमिक ऐसे हैं श्रमिक कर्मचारी ने उन्होंने भी VRS को नकार दिया है। तो सेंचुरी का संघर्ष जारी है और मराल में श्रमिक जनता संघ से जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय करते हैं। हमें बदनाम करने के लिए तद्दन झूठी खबर फैलाते हुए आज अधिवेशन में सैकड़ों लोग बैठे हुए होते हुए वो फेसबुक पर डालते हैं कि ये तो श्रमिक धंधा संघ है और यहाँ पेंडॉल खाली पड़ा हुआ है। तो आप ही देखिए कि सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। आज कॉलोनी में हमारे जो लोग हैं उनका पानी और बिजली सेंचुरी के कैंपस में कसरावत के सिविल कोर्ट ने चालू रखवाई, ये भी एक बड़ी जीत है। हम न्यायालय के शुक्रगुजार हैं। अगली सुनवाई कब है हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट की सुनवाई अभी परसों के रोज 28 अप्रैल को हो रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें पूरी बहस होकर सही न्याय की फैसला दिया जाएगा। नाम आपका? नाम आपका? नाम मेरा नाम श्रमिक जनता संघ। क्या है यार नाम होते हुए भी नहीं जाना चाह रहा है अभी वर्तमान में। हाँ अभी भी कुछ लोग आप देखेंगे कि कसरावत के सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।